हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 51 और इसमें हम सीखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो सिंटैक्स है सभी इफ एल्स फॉर लूप स्विच केस, ये सब सी लैंग्वेज के ही सिंटैक्स है। ओके, और जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोर जावा, उसमें भी यही सिंटैक्स यूज होती है सब इफ एल्स स्विच केस की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या है और कैसे लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बटन मैंने बना दिया है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा डिस्प्ले, जो कि मैंने बना दिया है यहाँ पर फंक्शन नेम करके। ओके, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, वेरिएबल और वेरिएबल का नाम दूंगा सी एच इक्वल टू वन लिखूंगा मैं। ओके, और स्विच केस स्टेटमेंट क्या है कि स्विच केस स्टेटमेंट एक स्विच बोर्ड की तरह होता है। जब भी कोई स्विच आप प्रेस करो तो एक स्विच प्रेस करोगे स्विच बोर्ड का तो फैन चालू होगा, एक स्विच प्रेस करोगे तो ट्यूबलाइट स्टार्ट होगी। ओके, तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट भी काम करता है कि जो भी केस होगा, यानी कि स्विच नंबर वन स्विच नंबर टू जो भी केस होगा तो उसी का कोडिंग रन होगा। ओके, बाकी का कोड रन नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं बाय एग्जांपल। यहाँ पर लिखे सबसे पहले स्विच और इनटू ब्रैकेट, यहाँ पर आपको राउंड ब्रैकेट करने हैं, वेरिएबल का नाम लिख दो। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके अंदर आपको केस लिखने हैं सी ए एस ई केस जीरो। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, और लिखता हूँ मैं फैन ऑन। ओके, इस तरीके से मैं कोडिंग किया। ओके, उसके नीचे लिखता हूँ मैं ब्रेक। तो ब्रेक किसके लिए है कि यदि वेरिएबल सी एच की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर मैं सबसे पहले जीरो लेता हूँ, जीरो होगी तो स्विच केस स्टेटमेंट ये केस जीरो को मैच करेगा और उसके अंदर के स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएंगे और ब्रेक होगा, यानी कि आगे के स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। ओके, यानी कि यदि सी एच वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो केस जीरो ही रन होगा, बाकी के केस रन नहीं होने चाहिए, उसके लिए हमने रखा है यहाँ पर ब्रेक। ओके, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं केस वन। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिखो लाइट ऑन। ओके, मैंने इस तरीके से कोडिंग कर दिया। ओके, केस जीरो केस वन, आप चाहे जितने भी केस लेना चाहो ले सकते हैं। ओके, केस टू लेना चाहो, थ्री फोर फाइव सिक्स, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर केस जीरो से ही स्टार्ट हो, आप यहाँ पर केस फाइव ले सकते हैं, केस सिक्स भी ले सकते हैं डायरेक्ट। ओके, जीरो वन टू से स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए इसको रन करते हैं। सबसे पहले रन करेंगे तो क्या होगा कि ये बटन जो है वो क्लिक होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर एक वेरिएबल बनेगा। ओके, और वेरिएबल के बेस पर आउटपुट आएगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो फैन ऑन आउटपुट आएगा, अगर वेरिएबल की वैल्यू वन है तो लाइट ऑन आउटपुट आ जाएगा। देखिए इसका आउटपुट देखते हैं, मैंने सेव कर दिया है लेसन 51.html से। ओके, देखिए फैन ऑन यहाँ पर आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट यूज होता है। ये सी एच की वैल्यू यदि आप वन लेंगे, ओके, रिफ्रेश क्लिक मी देन लाइट ऑन। ओके, तो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ सी एच के वैल्यू के बेस के पर आप कोई भी केस रन करवा सकते हैं। ओके, यदि सी एच वेरिएबल की वैल्यू जीरो और वन के अलावा कोई वैल्यू है तो आप डिफ़ॉल्ट केस भी ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यानी कि यदि सी एच वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं है, वन भी नहीं है, तो क्या रन होगा? तो डिफ़ॉल्ट केस रन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर प्रॉपर वैल्यू। ओके,
तो ये डिफ़ॉल्ट कैश भी आता है स्विच कैश के अंदर, जो क्या करेगा, यदि कोई कैश मैच नहीं होता है, जीरो भी मैच नहीं हुआ, वन भी नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा जो कि डिफ़ॉल्ट में है। ओके, यानी कि सी एच वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं है, वन भी नहीं है, ओके, तो डिफ़ॉल्ट कैश रन होगा। उसका मतलब क्या है कि कैश कोई भी मैच ना हो तो डिफ़ॉल्ट कैश रन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सी एच की वैल्यू 11 है, जो कि कैश जीरो भी मैच नहीं करेगा, कैश वन भी मैच नहीं करेगा, तो आउटपुट आएगा एंटर प्रॉपर वैल्यू। ये देखिए, रिफ्रेश बटन क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आया एंटर प्रॉपर वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आप स्विच कैश स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू की जगह पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी रख सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिया मैंने फैन, ओके, और यहाँ पर भी मैं फैन लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइट। ओके, तो जीरो कैश जीरो कैश वन की जगह पर आप इस तरीके से स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल सी एच है वो अब कौन सा वेरिएबल बन गया, स्ट्रिंग वेरिएबल, उसकी वैल्यू फैन होगी तो फैन ऑन होगा। ओके, फैन ऑन डिस्प्ले होगा स्ट्रिंग, और कैश लाइट यानी कि सी एच वेरिएबल की वैल्यू लाइट होगी तो लाइट ऑन स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, रिफ्रेश किया मैंने, फैन ऑन। ओके, अब मैं सी एच वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ पर लाइट रखूंगा, तो देखिए आउटपुट आएगा लाइट ऑन। ओके, रिफ्रेश, क्लिक, लाइट ऑन। अगर सी एच वेरिएबल की वैल्यू, ओके, कुछ और देता हूँ मैं, ओके, फैन और लाइट के अलावा, तो डिफ़ॉल्ट कैश जो है वो रन हो जाएगा, यानी कि एंटर प्रॉपर वैल्यू। ओके, यहाँ पर आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्विच कैश स्टेटमेंट जो है वो रन होगा। ओके, इसकी ये सिंटेक्स है, स्विच इनटू ब्रैकेट वेरिएबल ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नंबर ऑफ कैसेस। ओके, ये ब्रेक स्टेटमेंट रखना ज़रूरी है। ओके, चलो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फैन कर दिया वापस से, और यहाँ से मैं ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट देता हूँ, यानी कि हटा देता हूँ, तो क्या होगा कि फैन एक केस मैच होगा, आउटपुट आएगा फैन ऑन, यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो ये भी आउटपुट आएगा लाइट ऑन। ओके, तो ब्रेक रखने का यही एक एडवांटेज है। ये देखिए, फैन ऑन एंड लाइट ऑन, दोनों आउटपुट आया। यदि मैं ब्रेक यहाँ से भी हटा दूँ, कैश लाइट में से भी, ओके, तो तीनों को तीनों स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, फैन ऑन, लाइट ऑन एंड एंटर प्रॉपर वैल्यू। ये देखिए, तीनों के तीनों आउटपुट आ गए। तो इसी वजह से स्विच कैश स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक लगाना होता है। ओके, रिफ्रेश, क्लिक, फैन ऑन। ओके, तो ब्रेक का आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने रखा यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच कैश स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। ओके, तो इस लेसन में बस इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले लेसन में हम फॉर लूप और फिर व्हाइल लूप वो सब सीखने वाले हैं। इस लेसन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।